बजट 2019 के लिए सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 जुलाई को संसद में बजट पेश किया जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डायरेक्टर सोहिंदर गिल के मुताबिक, सरकार को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को शुरुआत में सब्सिडी देनी चाहिए। तो इस बजट में यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम वाकई सीरियस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, वाकई हम चाहते हैं कि एक ने शॉर्ट रन 3 या 4 साल में पहली 1 मिलियन या 10 लाख गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क पर आएँ, तो हमें कस्टमर को ये गाड़ी सस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज गाड़ी खरीद रहा है उसको आसपास कोई दूसरी गाड़ी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। वो एक पहला कस्टमर है, वो कहता है कि मैं क्यों खरीदूं जबकि दूसरा किसी ने नहीं खरीदा है। उसको ये समझ तो आता है कि इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है और जो मैं इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा हूँ उससे 3 गुना मेरी रिकवरी हो जाएगी, पर वो पहले फ्यू कस्टमर्स में ही बनना चाहता है। इसीलिए इसके अंदर सबसे ज़रूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कि हम सब्सिडीज़ को फ्रंट लोड करें। शुरू के कस्टमर्स, जो 1 मिलियन कस्टमर्स हैं या 2 मिलियन कस्टमर्स हैं, उनको हम प्राइस पैरिटी पे गाड़ी दें। अगर फॉर एग्जांपल स्कूटर, एक पेट्रोल स्कूटर अगर 55,000-60,000 का आता है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी कोशिश करेंगे बेचने में 85,000 में तो कोई नहीं खरीदेगा, बट अगर आप उसको 50,000 या 45,000 में बेच देंगे तो साथ में उसको बोलेंगे कि इसके अंदर 3 साल का पेट्रोल फ्री है क्योंकि 3 साल बैटरी चल रही है, तो लाइन लगा के गाड़ी बिकेगी। गिल के मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाए और उससे मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को गति देने के लिए किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र में रखे जाने की जरूरत है। अगर हम एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करें पोल्यूटर्स मस्ट पे, जो लोग प्रदूषण करते हैं वो अपने कॉस्ट का छोटा सा हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्यों नहीं देते। एक एग्जांपल है, एक मोटरसाइकिल जो 60-70 हज़ार का आता है, वो जब कोई गाड़ी खरीदने ग्राहक जाएगा, अगर उसके ऊपर हम 1,000 रुपया ग्रीन सेस लगा दें कि भैया आप ये पोल्यूटिंग गाड़ी खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिक नहीं खरीद रहे हो, आपको 1,000 रुपया ग्रीन सेस देना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल वो खुशी खुशी दे देगा। बट ये 1,000 रुपया इकट्ठा हो के, क्योंकि 2 करोड़ हमारे कंट्री में मोटरसाइकिल स्कूटर्स बिकते हैं हर साल, तो 2 करोड़ 1,000 रुपया से जुड़ के 2,000 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि अगर टोटल किटी कितनी ज़्यादा हो जाती है, उस किटी से आप कुछ भी इंसेंटिवाइज कर सकते हो, उस किटी से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को 1 मिलियन को ईजिली सब्सिडाइज कर सकते हो, उस पैसे से आप बहुत कुछ और शुरू कर सकते हो। हमारे यहाँ पोल्यूटिंग सिटीज़ इतनी हैं, उसके लिए अगर हमें क्लीन एयर करनी है तभी स्वच्छ भारत होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा एक प्रोमिनेंट पार्ट है। तो सेकंड पॉइंट जो हम चाहेंगे कि एक क्लीन एयर कैंपेन को फंड किया जाए बजट के थ्रू, जो कि ग्रीन सेस के थ्रू ही किया जाए, उससे एजुकेशन अवेयरनेस होगी तो काफ़ी लोगों को एक ज्ञान होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक चीज़ है जो मेरी जेब के लिए अच्छी है, मेरे देश के लिए अच्छी है, और फॉरेन एक्सचेंज भी बचाती है और प्रदूषण भी कम करती है। एक सबसे बड़ी अड़चन इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में है, ना कि एक कीमत भी ज़्यादा है पर बैंक लोन भी नहीं देते। बहुत कम जगह से हमें मिलता है कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई लोन खरीदने, गाड़ी खरीदने को जाता है तो उसको बढ़ावा मिलता है। सब लोग बैंक मैनेजर्स वगैरह कहते हैं, अरे इतना छोटा सा धंधा है, इसका हमें मालूम ही नहीं है कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, अभी तो शुरू नहीं हुई है, तो सब जगह से ना ही ना है। अगर गवर्नमेंट एक इंस्ट्रक्शन दे RBI के थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि 2 या 3 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लेंडिंग है वो प्रायोरिटी लेंडिंग में ली जाए, किसी स्कीम के अंडर ली जाए, चाहे इंटरेस्ट आप कम ना कीजिए बट लेंडिंग तो प्रायोरिटी में, किसी को रिफ्यूज़ तो मत कीजिए, तो जो डिज़र्विंग केसेस हैं अगर वो गाड़ी लोन पे लेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त 55-60% गाड़ियाँ लोन पे मिलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 2% लोन पे मिलती हैं, तो अगर हम चाहें तो ये 55% लोग, एटलीस्ट वो लोग, वो महंगी गाड़ी खरीदने को भी तैयार होंगे क्योंकि उनको EMI में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठा रही है। इधर नीति आयोग ने 2025 तक 150 cc तक के 2-व्हीलर्स और 2023 तक 3-व्हीलर्स को पूरी तरह से ई व्हीकल कैटेगरी में लाने का लक्ष्य रखा है।